प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। विषय राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक की प्रथम नियुक्ति दिनांक में परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में आपके विकासखंड अंतर्गत एनपीएस से संबंधित अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों एवं अध्यापकों के द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक 1/7/2018 को परिवर्तन करने हेतु इस कार्यालय को निरंतर पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जबकि संदर्भित पत्र से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के लिए है। समस्त एनपीएस से संबंधित शिक्षक एवं अध्यापक से संबंधित है। एनपीएस से संबंधित अध्यापक शिक्षक अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों एवं अध्यापकों की प्रथम नियुक्ति दिनांक 1/7/2018 को परिवर्तित करना कोषालय स्तर पर संभव नहीं है। यह कार्रवाई शासन स्तर से संबंधित है। अतः एनपीएस से संबंधित अध्यापक संवर्ग के शिक्षक अध्यापक आदि के प्रथम नियुक्ति दिनांक 1/7/2018 को परिवर्तन करने हेतु अपने स्तर से नियम अनुसार प्रस्ताव विभाग अध्यक्ष के माध्यम से आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल में अनुमति हेतु प्रेषित करें। आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अनुमति जारी होने पर ही कोषालय से नियुक्ति दिनांक एवं अन्य संशोधन संबंधी कार्रवाई की जाना संभव होगी। उक्त संबंध में सीधे इस कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाले अभ्यावेदनों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि सीधे कोषालय से कोई पत्राचार न किया जावे। तो यह आदेश जारी किया गया है। एनपीएस के सुधार के संबंध में जो आवेदन दिए जा रहे हैं, जैसे किसी को अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक में परिवर्तन कराना है तो वह कोषालय स्तर से नहीं होगा, उसके लिए आपको भोपाल जाना पड़ेगा। यह सिर्फ अधिकारियों कर्मचारियों के लिए संशोधन के लिए सुविधा दी गई है, अभी शिक्षकों के लिए यह सुविधा नहीं दी गई है। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।